हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड सबको विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि आपका साल बहुत अच्छा जाए, बहुत आपकी जो विश है वो पूरी हो जाए एंड आप बहुत इंजॉय करें अपने जो साल जो है नया जो साल है आप इसको इंजॉय करें एंड न्यू कुछ गोल्स बनाने हैं वो गोल्स बनाएं, आपके काम कीजिए। टैरो कार्ड्स रीडिंग 21 की मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसे कि हमारा जनवरी मंथ की रीडिंग्स रहेंगी। करियर रिगार्डिंग्स मैं बताने वाली हूँ दिस टाइम में। लव रिगार्डिंग जो वीडियो जो है राशि के अनुसार वो थोड़ी सी अलग बनाऊंगी, पर जैसे कि हम रीडिंग जो स्टार्ट करेंगे वो करियर रिगार्डिंग स्टार्ट करेंगे। एंड में इसमें थोड़ा सा कुछ न्यू चेंजेस लाना चाहती थी, जैसे कि आपको ग्रहों के अनुसार, ग्रह की स्थिति के अनुसार आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे वो बताने वाली थी, पर बहुत ज्यादा मतलब टाइम लगेगा उसको। मतलब हर राशि की जो वीडियो है जो 30 मिनट की बनेगी, तो मैं इस बार थोड़ी नहीं बना पा रही हूँ। नेक्स्ट मंथ में इसकी जैसे कि वीडियो बनने स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि राशि के अनुसार एंड हमारे कार्ड रीडिंग्स के अनुसार। एंड जैसे कि आपको पूरा साल भर की पूरी प्रेडिक्शन जाननी है, पूरा साल भर कैसा रहेगा, सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो आप प्लीज शेमारो एस्ट्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। शेमारो एस्ट्रो ऐप डाउनलोड में जैसे मेरी जो वीडियो से 5-6 तारीख तक मेरी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी एंड उस ऐप में मेरी वीडियोस देखेंगी और बहुत सारे टिप्स भी आपको, न्यू टिप्स भी आपको वहाँ पे नजर आएंगे। फरवरी मंथ तक मेरी वहाँ पे जैसे कि मेरी वीडियोस आना स्टार्ट रहेंगी। मेरी पहले भी वीडियो आ चुकी है एंड जैसे न्यू अभी भी न्यू बिजनेस की वीडियो मेरे वहाँ पे शेमारो एस्ट्रो ऐप में आ जाएंगी। जैसे कि आप मेरी वीडियो जो है टीवी चैनल पे भी देख सकते हैं, जैसे कि आपको मेरी वीडियो जो है टाटा स्काई पे, ज्योतिष दुनिया चैनल पे भी दिख जाएंगी एंड उनके टाइमिंग एंड जब भी वीडियोस आएंगे तो मैं इनके लिए इमेजेस बना के आपके यूट्यूब चैनल पे एंड जैसे कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगी। आप मुझे और ज्यादा, अगर आपको मुझे मेरी जो कुछ न्यू रीडिंग्स होती है, कुछ न्यू अपडेट्स होते हैं आपको जानना है, तो आप मेरे पेज पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टा पेज पे फॉलो कर सकते हैं वेलकम डिवाइन 01 पे। जैसे कि वेलकम डिवाइन 01 इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे चलो स्टार्ट करते हैं हमारी मंथली रीडिंग। मंथली आपका कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपका 2021 एंड जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है तुला राशि, जो है लिब्रा राशि। लिब्रा राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा 2021 जनवरी, क्या कहती है इनकी करंट एनर्जी एंड जैसे कि करियर रिगार्डिंग बिजनेस एंड जॉब, जैसे कि अपना आप जो कुछ भी काम करते हैं सराउंडिंग्स, उनकी एनर्जी कैसे रहेगी, दिस मंथ आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो जैसे कि प्रमोशन होते हुए नजर आ रहे हैं, वाओ, जिनकी भी जॉब है उनके प्रमोशन होते हुए नजर आते हैं, दिखाई दे रहे हैं। मनी इनकम सोर्स आपके पास अच्छी सी, मतलब जमा पूंजी कहीं ना कहीं से आपने जितने भी मनी इनकम सोर्स जमा की हुई, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ परचेसिंग करने की इसमें है, पर मुझे लगता है शायद आप जब भी परचेसिंग करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपके लॉसेस होने के चांसेस मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मे बी दिस टाइम ठीक नहीं है कि आप कुछ चीज की लेके परचेसिंग करें। आपके काम में ब्यूटी, एक प्लेजर, एक अच्छे से फाइनेंशियल गेन जो हो रही है जिस काम के सराउंडिंग्स वो आपकी होने दे, अगर कुछ न्यू चीजें खरीदे तो उसके लिए आप मतलब मैं कहूंगी कि खरीदारी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वहां पे चांसेस लॉसेस के नजर आते हैं। जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे मिनिमम काम करके आपका जो प्रॉपर नॉलेज है वहां पे अच्छे से गेन रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, आगे सराउंडिंग्स में आप आगे चलते रहेंगे। अदरवाइज ट्रैवलिंग के मूवमेंट्स आ रहे हैं, ट्रैवलिंग मूवमेंट्स में आप रहेंगे, ट्रैवलिंग करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड जैसे कि ज्यादा टाइम तक का नहीं ट्रैवलिंग्स में कह सकते, 5-6 दिन का ट्रैवलिंग्स आपका रहेगा, कुछ बड़ी ट्रैवलिंग्स नहीं रहेंगी। काम रिगार्डिंग आप जाएंगे अपने काम को आगे बढ़ाने के चक्कर में, आप आपके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मतलब होते ना मनी इनकम सोर्स को लेके थोड़ा सा खर्च ज्यादा होने के चांसेस नजर आते, तो मिनिमम अपने खर्चे पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे द फुल कार्ड्स आए हैं। तो फुल कार्ड्स ये कहता है कि अनकेयरलेस में, कहीं अन चीज में ऐसे आप कुछ डिसीजन लेंगे जिस वजह से आपको थोड़े बहुत नुकसान झेलने की कंडीशन हो सकती है। एंड मैं कहूंगी कि आप अपने काम में जितने भी हैं, शायद ज्यादा करके फीमेल्स के लिए ज्यादा करके मुझे शायद लगता है कि आपकी एनर्जी इतनी वाव है कि आपकी ब्यूटी को लेके, आपके काम को लेके आपको सराहा जा रहा है, या फिर आपकी एनर्जी इतनी अच्छी तरीके से हो रही कि आपको प्रमोशन, आपके बिजनेस में आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, इतनी सारी एनर्जी आपकी क्रिएट होती नजर आती दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं पर
आप मतलब पूरा काम करने के बाद भी, जैसे मेल फीमेल दोनों के लिए पूरा काम करने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील होता होगा, दिखाई देता है, अकेले रहना, जैसे कि मुझे अकेले रहना है, मुझे अभी ज्यादा बात नहीं करनी, किसी से ज्यादा बात नहीं करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज में भी शायद अदर कुछ चीज हो सकती है कि जिस वजह से आप परेशान हो, पर अदरवाइज अगर हम काम के बारे में कहेंगे तो काम रिगार्डिंग आपकी एनर्जी, सराउंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ न्यू नॉलेज अगर आपको लेना है तो दिस टाइम आप ले सकते हैं, न्यू नॉलेज को आप गेन कर सकते हैं, कुछ न्यू सीखना हो या फिर कुछ न्यू चीजों को क्रिएट करना तो वो चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। छोटा मोटा मतलब आप काम स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ बड़ी इनकम सोर्स के लिए आप बड़े मतलब ना बड़ी चीज को आप पैर ना रखे तो वो ठीक है, क्योंकि बड़ा कुछ डिसीजन ना ले, बड़े डिसीजन अगर आप लेते तो कहीं ना कहीं वहां पे चांसेस कुछ लॉसेस के नजर आते हुए दिखाई देते हैं। एंड दिस मंथ आपका जैसे कि ऐसा है कोई भी चीज आप जो है ना हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे ये कैसे हो रहा है, मतलब कोई भी चीज को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो चीज आपकी एक अच्छी सी सराउंडिंग्स में आपके जो काम जो है, आपके जो काम को लेके आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगी। कुछ जो चीज है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे कि मतलब मैं करूं या नहीं करूं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके अपने काम के रिगार्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं, मे बी आपके चांसेस है कि आप आगे अपने काम को लेके, एक प्रमोशन को लेके, एक नई चीज को लेके, कुछ न्यू बिगनिंग्स को लेके आप अपने काम कर सकते हैं। अदरवाइज बड़े मैंने कहा ना कि पहले से कि मैं कुछ बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, नॉर्मली छोटे मोटे अगर आपको डिसीजन लेने ले सकते हैं, सराउंडिंग्स एनर्जी में आपके काम को लेके अच्छे से मूवमेंट्स है, अच्छे से वाव है, अच्छे से मनी इनकम सोर्स आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपका मन करता होगा अगर दान करने का अगर मन करता है तो आप कर सकते हैं। चैरिटी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चैरिटी करना, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एंड मैं कहूंगी कि जैसे कि आपकी फैमिली भी आपको जैसे कि हेल्प करते हुए नजर आती है काम में, सराउंडिंग्स में, एक बड़े बुजुर्ग की अगर आप सलाह लेते हैं, एनर्जी अगर आपके मतलब घर वालों के साथ आप समझदारी से अगर काम करते हैं तो मिनिमम आपके जो थोड़े से लॉसेस जो है मनी इनकम सोर्स को लेके वो शायद नहीं होंगे। मनी इनकम सोर्स इस बार वाव है, प्रमोशन हो रहा है, अच्छी चीजें, न्यू चीजें कुछ गेन हो रही है, कहीं ना कहीं आप बाहर ट्रैवलिंग्स करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सब कुछ एनर्जी आपके अच्छे होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ न्यू काम को लेके ऐसे आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे कि कुछ नहीं मुझे कुछ न्यू करना है, कुछ ना कुछ न्यू करना है, कुछ तो भी आप सोचते रहेंगे, सोचना बहुत ज्यादा रहेगा, ये वाली कंडीशन मुझे नजर आते हुए दिखाई देती है। आपको लगेगा कभी कभी कि मेरे पास सब कुछ है, मतलब अच्छा सा काम है, अच्छे से काम कर रहा हूँ या फिर कुछ अच्छी सी एनर्जी आपकी क्रिएट हो रही है, तो भी आपको ऐसे लगेगा कि नहीं मैं इतना मतलब कुछ न्यू चीज की तरफ क्यों भाग रहा हूँ, कुछ न्यू चीजें क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ न्यू चीजों की तरफ क्यों दौड़ना, और ये सारी मतलब न्यू काम को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस काम में हूँ तो मुझे लिए मैं बेटर नहीं, इससे बेटर और कर सकता हूँ, इससे बेटर और कर सकता हूँ, तो ये वाली एनर्जी रहेगी। पर मुझे लगता है कि जिस टाइम आप जितना काम कर रहे हैं तो दिस एनर्जी आपकी बेस्ट है, वहां पे आपकी एनर्जी अच्छी से काम में सराउंडिंग्स रहेंगी। अगर कुछ आप और उम्मीदें करते हैं तो आपके थोड़े से चांसेस लॉस होने की नजर आते हुए दिखाई दे रहे, अनकेयरलेसली फील होना, जैसे कि इनोसेंस होना, बहुत ज्यादा इनोसेंस रहना काम में भी, जैसे कि किसी ने अगर कह दिया कि मेरे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसकी इमोशन को लेके बैठ जाना, फिर उसकी इमोशन को लेके आप काम करना, आपके फिर काम में थोड़ा सा ध्यान ना रहना, तो ये वाली एनर्जी मुझे दिस टाइम आपकी नजर आती हुई दिखाई देती है। अदरवाइज आपका दिस मंथ आपका बहुत अच्छा है, वाव है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए तुला राशि वाले की दिस मंथ आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए कि दिस मंथ आपका कैसा रहा, दिस मंथ आपकी राशि कैसी रही। एंड मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। Thank you.